Hello guys, how are you? So today we will continue chapter 6, Feast of the Dead. ये chapter हमने complete कर लिया था और उसके question number part A और part B हम complete कर चुके हैं, objective type है जो, और part C इसका question हम देखते हैं. Part C, question number 1, How did Darshan Agha earn his living? तो Darshan Agha है, उसकी income का source क्या था, वो अपनी earning है, वो किस तरीके से कमाता था. तो ये चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया है कि दर्शन आगा वो एक वाटर कैरियर था. तो यहाँ पे आप देखिए, दर्शन आगा द वाटर कैरियर वाज ए फैमिलियर फिगर ऑन द स्ट्रीट. दर्शन आगा जो वाटर कैरियर है, पानी लेके आता है जो, वो एक फैमिलियर फिगर है, यानी एक जाना पहचाना चेहरा है गली के अंदर. ही बेयरली मेड बोथ एंड मीट्स. वो मुश्किल से ही अपना घर चला पाता है. एंड लिव्ड विद हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रन इन ए स्मॉल हाउस. और वो एक छोटे से घर के अंदर अपने दो बच्चों और अपनी बीवी के साथ में रहता है. His entire capital consists of two water cans and a pole. और उसकी जो सारी संपत्ति है वो यही है, दो वाटर के कैन और एक पोल. With a chain dangling from either end. और उस पोल के दोनों साइड पे एक चेन लटकी हुई है. Hoisting the pole on his shoulders. वो उस पोल को अपने कंधे पे उठाता है. Hooking the cans by their handles to the chains. और जो दोनों साइड की चेन्स हैं उनमें एक एक कैन है, वाटर कैन, वो लटका देता है. He set out every morning. और वो हर सुबह बाहर निकलता है. वाटर एनीबडी नीड वाटर. और वो ऐसे चिल्लाता है कि किसी को पानी चाहिए. हिज वॉइस वुड कैरी एज फार एज द लास्ट हाउस ऑन द स्ट्रीट. और उसकी आवाज़ है वो गली के आखिरी छोर तक जाती है, गली के आखिर में जो घर है वहाँ तक. दोज वो नीडेड वाटर वुड कम बैक दर्शन आगा वन ट्रिप टू ट्रिप थ्री ट्रिप. और जिस किसी को भी पानी की जरूरत होती है वो दर्शन आगा के पास आता है और उससे कहता है कि एक ट्रिप, दो ट्रिप या तीन ट्रिप. वन ट्रिप मीन्स टू कैंस ऑफ वाटर. तो वन ट्रिप का क्या मतलब है, दो कैन ऑफ वाटर. देन दर्शन आगा वुड क्लाइंब अप द हिल टू द फाउंटेन. तो उसके लिए दर्शन आगा है वो पहाड़ी पर चढ़ेगा, जो पहाड़ी के ऊपर झरना है वहाँ पे जाएगा. फिर अप हिज कैंस एंड गो टू एंड फ्रो. और फिर अपने कैन है वो वहाँ से भरता है और फिर अप एंड डाउन करता है वहाँ से. बिटवीन द फाउंटेन एंड द हाउसेज ऑल डे लॉन्ग. जो पानी का झरना है वहाँ से लेकर घरों तक नीचे वो पूरा दिन अप एंड डाउन करता रहता है इसी तरीके से. ही गॉट 3 crores फॉर ईच ट्रिप. तो उसे हर ट्रिप के लिए, यानी एक बार ऊपर जाना और पानी लेके आना, हर ट्रिप के लिए उसे 3 crores मिलते हैं. ये क्रूश है, ये टर्किश करेंसी है और ये जो स्टोरी है ये एक टर्किश स्टोरी है. सो इस तरीके से दर्शन आगा है वो अपनी अर्निंग करता है. So how did Darshan Agha earning his living? Darshan Agha is a water carrier. He used to carry water in cans from the fountain of a hill. वो जो फाउंटेन है, जो झरना है पहाड़ी के ऊपर, वहाँ से पानी ला के लोगों को बेचता है. He got a very little money for his livelihood. और इस तरीके से वो काफ़ी कम पैसे कमा पाता है अपनी फैमिली के लिए. सो आगे पढ़ते हैं इसमें. The way of earning was like digging a well with a needle. तो इस टाइप से ये 3 crores उसको एक ट्रिप के लिए मिलते हैं. तो ये जो काफ़ी कम इनकम है उसकी, सो दिस वे ऑफ अर्निंग, ये जो अर्निंग का तरीका है ये तो इस टाइप से है लाइक डिगिंग ए वेल विद ए नीडल. जैसे आप एक नीडल से, एक सुई से कुआं खोदने का ट्राई कर रहे हो. तो ये काफ़ी कम अर्निंग है उसकी और ये इनकम का उसका सोर्स है. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम. हु वाज गुलनाज, व्हाई डिड शी पैनिक. गुलनाज कौन है? गुलनाज दर्शन आगा की वाइफ है. गुलनाज वॉज द वाइफ ऑफ दर्शन आगा. एंड वाई डिड शी पैनिक, और वो पैनिक क्यों गई थी. वेन शी हर्ड द न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड. जब उसने अपने पति के, अपने हस्बैंड के डेथ का खबर सुनी, उसने न्यूज़ सुनी, शी वॉज पैनिक, तो वो डर गई. क्वेश्चन नंबर 3, वाट डिड द ओल्डर बॉय वियर टू कीप आउट द कोल्ड. जो बड़े वाला लड़का है उसने सर्दी से बचने के लिए क्या पहन रखा था. तो ये हमने पढ़ा है कि उसने एक शैबी कोट पहन रखा था, यानी एक फटा पुराना कोट पहन रखा था उसने. और उसके कारण बिल्कुल भी उसकी जो बाहर की सर्दी है, काफ़ी ठंड का मौसम है ये, तो उससे बिल्कुल भी बचाव नहीं हो पाता है. और उसने एक शैबी कोट पहन रखा है, तो ये हमने पढ़ा है इसमें. देखते हैं. द बॉय शैबी कोट वॉज नॉट हैवी इनफ टू कीप आउट द कोल्ड आउटसाइड.
सो उस लड़के ने एक शैबी कोट पहन रखा है, यानी एक काफ़ी गंदा डर्टी फटा पुराना वॉर्न आउट कोट पहन रखा है उसने, टैटर्ड है जो कि फटा हुआ है। वाज नॉट हैवी, वो इतना भारी नहीं है कि इनफ टू कीप आउट द कोल्ड आउटसाइड, कि जो बाहर की ठंड है उसको बर्दाश्त कर पाए या उसको रोक पाए। ही हैड नो स्ट्रेंथ इन हिज लेग्स एंड हैड टू स्टडी हिमसेल्फ अगेंस्ट द वॉल्स एज ही वॉक्ड, और उसके पाँव के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है तो उसको दीवार का सहारा लेना पड़ रहा है चलने के लिए। सो व्हाट डिड द ओल्डर बॉय वेयर टू कीप आउट द कोल्ड? द ओल्डर बॉय बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, ही वॉर ए शैबी कोट, उसने एक पुराना फटा पुराना कोट पहन रखा है। बट इट वॉज नॉट सो हैवी दैट इट कुड कीप आउट द कोल्ड, पर ये इतना भी हैवी नहीं है कि ये ठंड को रोक पाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। व्हाट डिड बॉट्स टेल द बॉय कॉन्सीलिंग हिज ऑर्डर, कैंसलिंग हिज ऑर्डर? तो जो बॉट्स है यानी जो ग्रोसर था, उसने उस लड़के से क्या कहा था उसका ऑर्डर कैंसिल करने के लिए। सो ये हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ओल्डर बॉय है, बड़े वाला जो लड़का है दर्शनागा का, उसने ग्रोसर को थोड़ा सा चालाकी से मूर्ख बनाने की कोशिश की थी, और उसने उससे पहले अपना सामान है वो लिखवा दिया था, और अपनी जेब में वो हाथ डाल के इस तरीके से खड़ा हो गया था जैसे वो पैसे निकालने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आप, देन ही लेफ्ट हिज पैलेस, देन ही लेफ्ट हिज पैलेस बाय द फायर साइड एंड ऑर्डर ए पाउंड ऑफ राइस, ए पाउंड ऑफ फ्लावर, ए पाउंड ऑफ पेटेटोस। सो दर्शनागा का जो बड़े वाला लड़का है, उसने पहले 1 पाउंड ऑफ राइस, 1 पाउंड ऑफ फ्लावर और 1 पाउंड ऑफ पोटैटोज ऑर्डर कर दिए। ही पुट हिज हैंड इन टू हिज पॉकेट, उसने अपने पॉकेट के अंदर अपने हैंड डाल लिए एज इफ रीचिंग फॉर हिज मनी, जैसे कि वो पैसों को निकालने की ट्राई कर रहा है। एंड देन प्रिटेंडेड टू हैव लेफ्ट इट होम, फिर उसने नाटक किया कि वो पैसे घर पे ही छोड़ा है। ओह आई सीम टू हैव फॉरगॉटन इट एट होम, तो वो कहता है कि ओ मैं तो घर पे ही भूल गया पैसे। आई वुड हेट टू हैव टू गो ऑल द वे होम इन दिस कोल्ड एंड कम बैक अगेन, तो मुझे ये काफ़ी नफरत हो गई है, ये मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा कि मैं वापस घर पे जाऊँ इतनी ठंड के अंदर और पैसे लेके आऊँ। राइट इट डाउन एंड आई विल पे यू टुमारो, तो ये लिख लो और मैं कल तुम्हारा जो पैसे हैं वो चुका दूंगा। इट वॉज ब्रेव एफर्ट बट द ग्रोसर न्यू द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड टू वेल, सो ये काफ़ी अच्छा प्रयास था, पर जो ग्रोसर है वो ये इस बिजनेस की ट्रिक को जानता है इस तरीके से। सो ये हमारा क्वेश्चन था, व्हाट डिड द बॉस टेल द बॉय कैंसलिंग हिज ऑर्डर, तो उस लड़के का ऑर्डर कैंसिल करते हुए बॉस ने क्या कहा? तो बॉस ने ये कहा कि फर्स्ट ब्रिंग द मनी, पहले पैसे लेके आओ, देन यू कैन टेक द गुड्स, और उसके बाद तुम्हें गुड्स मिलेंगी, तुम्हें जो भी सामान है लिखवाया हुआ वो मिलेगा। यू हैव बिकम सो थिन, तुम इतने पतले हो गए हो, समवन हु हैड मनी एट होम डजंट गेट सो थिन, तो जिसके घर में पैसे होते हैं वो इतना पतला या इतना कमज़ोर कभी भी नहीं हो सकता है। तो बोर्ड्स ने उससे की चोरी को पकड़ लिया था, जो उसका जो बहाना वो बना रहा था उसे पकड़ लिया था, और बोर्ड्स ने उसे सामान देने से मना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वाई कुड द यंगर बॉय नीड नॉट बॉय नॉट स्लीप, तो जो यंगर बॉय है, जो छोटा लड़का है, वो क्यों नहीं सो पाया? क्योंकि सभी घर में भूखे थे और जो छोटा है वो भी भूखा था। द यंगर बॉय कुडंट स्लीप बिकॉज ही हैड नॉट ईटन फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि उसने काफ़ी लंबे टाइम से खाना नहीं खाया था। ही वॉज वेरी हंग्री, और वो काफ़ी भूखा था और इसीलिए वो नहीं सो पा रहा था। क्वेश्चन नंबर डी पार्ट 1, व्हाट वर द बिलोंगिंग्स ऑफ दर्शनागा, दर्शनांगा की बिलोंगिंग्स यानी उसकी जो असेट्स थी, संपत्ति थी, वो क्या क्या थी? तो ये चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा है हमने, अभी पढ़ा था कि दर्शनागा के पास 2 वाटर कैंस थे और यही उसकी जो प्रॉपर्टी थी। सो यहाँ पे देखिए आप, दर्शन आगा द वाटर कैरियर वॉज ए फैमिली फिगर ऑन द स्ट्रीट, ही बेयरली मेड बोथ हैंड्स मीट, इज लिव्ड इज लिव्ड विद हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन इन ए स्मॉल हाउस, हिज एंटायर कैपिटल, तो यहाँ से देखिए आप, हिज एंटायर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 2 वाटर कैंस, उसकी जो पूरी कैपिटल थी, उसकी पूरी संपत्ति थी, वो बस यही थी, 2 वाटर कैंस एंड ए पोल, और एक पोल विद ए चैन डैंगलिंग फ्रॉम इधर एंड, जिसके दोनों ओर यानी पोल के दोनों साइड पे एक एक चेन बनी हुई थी, होस्टिंग द पोल ऑन हिज शोल्डर, और वो
अपने शोल्डर के ऊपर उस पोल को उठाता था, होकिंग द कैंस बाय देयर हैंडल्स टू द चेन्स, और जो चेन्स के जो हैंडल्स थे, हुक थे, वहाँ पे दोनों कैंस से वो लटका देता था। ही सेट आउट एवरी मॉर्निंग, और वो हर दिन निकल जाता था। सो व्हाट वर द बिलोंगिंग्स ऑफ दर्शनागा, द बिलोंगिंग ऑफ दर्शनागा वर टू वाटर कैंस एंड ए पोल विद ए चैन डैंगलिंग फ्रॉम इधर एंड। ही यूज हिज दिस बिलोंगिंग टू फेच द वाटर फ्रॉम फाउंटेन्स, और वो इस संपत्ति का यूज़ किया करता था, अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करता था वो पानी लाने के लिए फाउंटेन्स से। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं हम इसका। हु वाज सेंडिंग द फूड फॉर दर्शन फैमिली, दर्शन की फैमिली के लिए खाना कौन भेज रहा था। सो ये वहाँ पे ट्रेडिशन था कि जिसके घर में कोई डेथ हो जाती है तो लगभग कुछ दिनों तक खाना है वो आस पड़ोस से आता है। सो यहाँ पे देखिए, इट इज़ द ट्रेडिशन फॉर द नेबर्स टू सेंड फूड, ये ट्रेडिशन था, ये उनका एक रीति रिवाज था कि नेबर्स टू सेंड फूड, कि जो पड़ोसी हैं वो खाना भेजेंगे फॉर ए डे और टू, एक दो दिन के लिए, टू द हाउस वेयर डेथ हैज ऑकर्ड, उस घर में जहाँ पे डेथ हुई है। द फर्स्ट मील केम टू गुलनास एंड हर चिल्ड्रन फ्रॉम द वाइट हाउस, तो जो पहला खाना था, पहला मील था गुलनाज और उसके बच्चों के लिए, वो वाइट हाउस से आया। वेयर रेफ इफंडी द वेल्थी बिजनेस मैन लिव्ड, जहाँ पे एक अमीर व्यापारी रेफ इफंडी रहता था वाइट हाउस के अंदर। एट नून ऑन द डे आफ्टर दर्शनागा डाइड, द मेड फ्रॉम द वाइट हाउस अपीयर्ड विद द लार्ज ट्रे, और उस शाम को जब दर्शनागा की डेथ हुई थी तब वाइट हाउस की जो मेड थी, नौकरानी थी, वो एक बड़ी ट्रे लेकर वहाँ पे अपीयर हो गई खाने की। तो इस तरीके से ये पहला जो खाना आया था वो तो यहाँ से आया था वाइट हाउस से, और उसके बाद कुछ अड़ोस पड़ोस के लोगों से आया था। यहाँ पे देखिए, अनदर नेबर टुक केयर ऑफ द फूड फॉर द नेक्स्ट डे, और अगले दिन का जो खाने का बंदोबस्त है वो दूसरे पड़ोसियों ने किया। दिस वेंट ऑन फॉर 3 or 4 days, और ये इस तरीके से 3-4 दिन तक चला। नन ऑफ द लेटर मील्स वर एज टेस्टी एज जेनरस एज द फूड फ्रॉम द वाइट हाउस, और कोई भी खाना उसके बाद इतना टेस्टी नहीं आया जितना वाइट हाउस से आया था। बट देवर ऑल ए ग्रेट डील बेटर दैन एनी दैट वॉज एवर कुकड इन गुलनाज पोर्ट, पर गुलनाज ने अपने घर में जब कभी भी कोई खाना बनाया था उससे तो वो अच्छा ही था। सो जो पहला खाना आया था वो वाइट हाउस से आया था, और उसके बाद जो खाना आया था वो दूसरे पड़ोसियों से, जो गुलनाज हैं उसकी फैमिली के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। वाई डिड गुलनाज सेंड द ओल्डर बॉयज़ टू बोडोस, तो गुलनाज ने अपने बड़े लड़के को बोडोस के पास क्यों भेजा था। तो बोडोस के पास इसलिए भेजा था कि खाने को कुछ भी नहीं था घर में, और उसका जो छोटा बेटा था वो भी भूखा था, और पूरी फैमिली थी वो भूखी थी। तो उसने अपने बड़े लड़के को बोडोस, जो ग्रोसर है बोडोस, उसके पास भेजा था और कहा था कि जब उनके पास पैसे होंगे वो लौटा देंगे, पैसे पे कर देंगे उसे, और कुछ खाना उधार में मांगने के लिए उसे भेजा था। सो यहाँ पे देखिए आप, वी मस्ट गो टू बोडोस, ये गुलनाज हैं वो अपने बड़े लड़के से कह रही हैं कि वी मस्ट गो टू बोडोस, कि हमें बोडोस के पास जाना चाहिए, बोडोस द ग्रोसर। वी मस्ट आस्क फॉर सम राइस फ्लोर एंड पोटैटोस, टेल हिम वी विल पे हिम इन ए फ्यू डेज, तो हमें उससे कुछ चावल, कुछ आटा और कुछ पोटैटोस मांगने चाहिए, और उसे कहना, टेल हिम वी विल पे हिम इन ए फ्यू डेज, तो उसे कहना कि हम उसे कुछ दिन में पे कर देंगे। तो इसलिए गुलनाज ने अपने जो बड़ा बेटा है उसे खाने के लिए बोडोस के पास सामान लाने के लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाई डिड नो फूड कम फ्रॉम द नेबर्स आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद नेबर्स से कोई भी खाना क्यों नहीं आया था। सो ये जो ट्रेडिशन था, ये ट्रेडिशन था कुछ दिनों के लिए, यानी जिस घर में डेथ होती है उस घर में पड़ोसियों से पड़ोसी खाना भेजते हैं, ये ट्रेडिशन कुछ दिनों के लिए ही था। सो यहाँ पे देखिए, इट इज़ ए ट्रेडिशन फॉर द नेबर्स टू सेंड फूड फॉर ए डे और टू, तो ये उनका ट्रेडिशन था कि जो नेबर्स हैं वो एक दो दिन के लिए खाना भेजेंगे, टू द हाउस वेयर डेथ हैज़ ओकर्ड, उस घर में जहाँ डेथ हुई है। सो पहले दिन का जो खाना आया था, द फर्स्ट मील केम टू गुलनाज एंड हिज एंड हर चिल्ड्रन फ्रॉम द वाइट हाउस, तो पहले दिन का खाना तो वाइट हाउस से आया था। रेफ एफेंडी द वेल्थी बिजनेसमैन लिव्ड,
व्हाइट हाउस जहाँ पे जो रैफ एफेंडी है, जो वेल्थी बिजनेस मैन है, वो रहता था। तो और बाकी जो बाद में खाना आया था, अनदर नेबर टुक केयर ऑफ द फूड फॉर द नेक्स्ट डे, और जो दूसरे नेबर थे उन्होंने अगले दिन के खाने का प्रबंध किया। दिस वेंट ऑन फॉर 3 और 4 डेज, तो ये 3-4 दिनों तक चला। नन ऑफ द लेटर मील्स वर एज टेस्टी, तो दूसरा कोई भी जो खाना आया वो इतना टेस्टी नहीं था। तो ये 3-4 दिन तक इस तरीके से चला। इफ दिस कुड हैव कंटिन्यूड, अगर ये कंटिन्यू रहता इस तरीके से, गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन कुड ईजीली हैव बोर्न देयर सोरो, तो इस तरीके से अगर चलता तो वो अपना जो दुख है गुलनाज और उसकी फैमिली वो बर्दाश्त कर पाते। बट वेन द ट्रे स्टॉप्ड कमिंग एंड द कॉल दे वर बाइंग फ्रॉम द स्टोर ऑन द मेन स्ट्रीट कुड नॉट बॉट एनी मोर, तो जब खाना आना, जो खाने की जो ट्रे आती थी वो बंद हो गई आना, और जहाँ से वो कोयला खरीदते थे यानी स्ट्रीट पर से सामने जो दुकान है वहाँ से कोयला आना भी बंद हो गया। दे बिगेन टू रियलाइज दैट देयर सोरो वॉज अनबेरेबल, तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनका जो दुख है वो बर्दाश्त से बाहर है। सो ये वहाँ का ट्रेडिशन है कि खाना आएगा वो 1-2 दिन के लिए आएगा। सो देर वॉज ए ट्रेडिशन फॉर द नेबर्स टू सेंड फूड टू द हाउस वेयर द डेथ हैड ऑकर्ड, बट इट वॉज ओनली फॉर ए डे और टू, दैट्स वाई द फूड केम फ्रॉम द नेबर्स फॉर ए फ्यू डेज ओनली। सो इस तरीके से जो पड़ोसियों से खाना आया था वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर ई, पार्ट वन, व्हाट डिड दर्शन फैमिली डू आफ्टर द नेबर्स हैड स्टॉप सेंडिंग फूड, तो दर्शन आगा की फैमिली ने क्या किया जब जो पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, उन्होंने खाना भेजना बंद कर दिया। तो ये हमने चैप्टर में पढ़ा है कि दर्शन की जो फैमिली थी उसको खाना कुछ दिन तो पड़ोसी भेज रहे थे, उसके बाद में फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज दे एट वाट एवर दे फाउंड, तो जब पड़ोसियों से खाना आना बंद हो गया, फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, यहाँ से देखिए आप, फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज दे एट वाट एवर दे फाउंड इन द हाउस, उन्होंने वो खाया जो कुछ भी उन्हें घर में मिला। टू अनियंस, ए क्लोव ऑफ गार्लिक, दो प्याज, एक लहसुन की कली या क्लोव ऑफ गार्लिक होता है जो गार्लिक लहसुन होता है। ए हैंडफुल ऑफ ड्राई बीन्स, एक मुट्ठी उन्हें ड्राई बीन्स मिल गए थे, सूखे बीन्स, फाउंड इन ए कॉर्नर ऑफ द कबर्ड, अलमारी के एक कोने में पड़े हुए। फाइनली दे केम देयर केम ए डे व्हेन ऑल पॉट्स बास्केट बॉटल्स एंड बॉक्सेस इन द हाउस वर एम्प्टी, और फाइनली वो दिन भी आ गया जब उनके सारे बर्तन थे, जो पॉट्स थे, बास्केट थी, बॉटल थी, बॉक्सेस थे, वो सब खाली हो गए। दैट डे फॉर द फर्स्ट टाइम, और उस दिन पहली बार, दे वेंट टू बेड ऑन एम्प्टी स्टमक, और उस दिन पहली बार वो खाली पेट बिस्तर पे गए। सो कुछ दिन तक जो खाना है वो पड़ोस से आया, उसके बाद जब खाना आना बंद हो गया तो उनमें घर में जो कुछ भी था उनके, उन्होंने वो खाया। पर उसके बाद जब वो भी ख़त्म हो गया तो उन्हें खाली पेट सोना पड़ा। क्वेश्चन नंबर टू, हाउ डिड द ओल्डर बॉय ट्राई टू कन्विंस बोडोस फॉर ग्रॉसरी आइटम, सो जो ओल्डर बॉय है, बड़ा लड़का है, वो बोडोस के पास गया था उधार मांगने के लिए, तो उसने वहाँ पे किस तरीके से उसको कन्विंस किया, तो ये हम देखते हैं यहाँ पे। ही वेटेड अंटिल ऑल द अदर कस्टमर्स हैड लेफ्ट, तो जब वो बोडोस के शॉप पे, दुकान पे पहुंचा, फाइनली ही रीच द स्टोर ऑन द हिल, और फाइनली वो जो हिल के ऊपर स्टोर था बोर्डोज का, वहाँ पे पहुँच गया। एंड एंटर द वार्म रूम, और जो उसका गर्म कमरा था वहाँ पे उसने एंट्री की। ही वेटेड अंटिल ऑल द अदर कस्टमर्स हैड लेफ्ट, और उसने वेट किया जब तक कि दूसरे कस्टमर थे सारे वो नहीं चले गए। होपिंग टू बी एबल टू टॉक टू द ग्रोसर, और वो फिर ग्रोसर से बात करने के लिए आगे बढ़ा इन प्राइवेसी, प्राइवेसी में, एंड टू एन्जॉय द वार्म्थ ए लिटिल लॉन्गर, तो वो ऐसी उम्मीद कर रहा था कि वो जब ग्रोसर प्राइवेट होगा, अकेला होगा, तब वो बात करेगा उससे, और तब तक वो जो उसके रूम की यानी शॉप की उसकी जो वार्मनेस है यानी जो गर्मी है उसे वो इंजॉय करता है। देन दे लेफ्ट हिज पैलेस प्लेस बाय द फायर साइड, फिर उसने जो फायर साइड पे वो खड़ा हुआ था और जो आग वगैरह ताप रहा था वो, तो उस जगह को उसने छोड़ा। एंड ऑर्डर ए पाउंड ऑफ राइस, ए पाउंड ऑफ फ्लोर एंड ए पाउंड ऑफ पोटैटोस, फिर उसने एक एक पाउंड चावल
आटा और पोटैटोज ऑर्डर किए। ही पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट, और उसने अपने पॉकेट के अंदर अपने हाथ डाल लिए, एज इफ रेसिंग फॉर हिज मनी, जैसे कि वो पैसे निकालने के लिए अपने हाथ डाल रहा हूँ। एंड देन प्रिटेंडिंग टू हैव लेफ्ट इट एट होम, और फिर उसने ऐसे नाटक किया, प्रिटेंड किया, ऐसे बहाना बनाया कि वो पैसे घर पे छोड़ाया है। ओह आई सीम टू हैव फॉरगॉटन इट एट होम, और उसने कहा कि ओह मैं तो पैसे घर पे ही छोड़ाया। आई हैड हेट टू हैव टू गो ऑल द वे, आई वुड हेट टू हैव टू गो ऑल द वे होम इन दिस कोल्ड एंड कम बैक अगेन, तो मुझे इस इतनी ठंड के अंदर वापस घर जाना और वहाँ से पैसे लेके आना, तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, नफरत करूँगा मैं इससे। राइट इट डाउन एंड आई विल पे यू टमोरो, तो इसे लिख लो, तो ये उधार है ये लिख लो, एंड आई विल पे यू टमोरो, और मैं तुम्हें कल पे कर दूँगा। सो इट वॉज ब्रेव एफर्ट बट द ग्रोसर न्यू द ट्रिक ऑफ द ट्रेड टू वेल, ये काफ़ी अच्छा प्रयास था, पर जो ग्रोसर है, बोडोज है, वो बिजनेस की ट्रिक्स को जानता है। उसने कहा फर्स्ट ब्रिंग द मनी, कि पहले पैसे लेके आओ, देन यू कैन टेक द गुड्स, फिर तुम जो चीज़ें हैं, सामान है, वो तुम्हें मिल जाएगा। यू हैव बिकम सो थिन, तुम इतने पतले हो गए हो, इतने कमज़ोर हो गए हो। सम वन हु हैज़ मनी एट होम डजंट गेट सो थिन, ऐसा कोई भी जिसके घर में पैसे हो वो इतना कमज़ोर कभी भी नहीं होता। सो इस तरीके से जो बोडोज़ हैं, उसने ये प्रिटेंड करके, ये नाटक करके कि वो पैसे निकाल रहा है अपनी जेब से, उसने बोडोज़ को कन्विंस करने का ट्राई किया, पर जो बोडोज़ हैं वो बिज़नेस की ट्रिक को अच्छी तरीके से जानता है, और उसके सामने उसका ये जो चालाकी है वो नहीं चली थी बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द ओल्डर बॉय ड्यू टू चिली वेदर, तो जो चिली वेदर थी यानी काफ़ी ठंडा मौसम था, उसके कारण जो ओल्डर बॉय था उसको क्या डिफ़िकल्टी पेश आई थी। तो वहाँ से जब जो बोडोज हैं उसने उसे सामान देने से मना कर दिया, तो जो ओल्डर बॉयज़ हैं वो वापस निकला वहाँ से। तो यहाँ पे देखिए, द बॉय हरिड आउट, जो लड़का है वो जल्दी से वहाँ से निकला, अम्बेरस टू हैव हिज लाइफ फाउंड आउट, तो वो काफ़ी अम्बेरस था कि उसका झूठ है वो पकड़ा गया। ही फाउंड द आइसीनेस ऑफ द स्ट्रीट मोर अनबेरेबल देन ही हैड बिफोर ही एंटर्ड द स्टोर, तो उसने ऐसा पाया कि जो आइसीनेस है, जो कोल्डनेस है, यानी जो सर्दी है बाहर की, वो अब और भी ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर हो गई है, ये इतनी भी नहीं थी जितनी जब वो आया था यहाँ पे पहली बार, यानी दुकान पे जब वो सामान लेने आया था, उससे ज़्यादा ठंड पड़ने लग गई है, या उसको ऐसा फील हो रहा था। एट द कॉर्नर ही सॉ स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनी ऑफ द वाइट हाउस, और उसने देखा कि कॉर्नर की जो चिमनी है वाइट हाउस की, वहाँ से स्मोक बाहर आ रही है। सो अब उसे वो जब वापस आ रहा है, ही वॉक्ड होम एज फास्ट एज ही कुड, तो वो घर की तरफ इतनी तेज़ी से चल रहा था जितनी तेज़ी से वो चल सकता था। हिज टीथ चैटरिंग, उसके दांत थे वो बज रहे थे। देर वॉज नो नीड टू से एनी थिंग टू हिज मदर एंड ब्रदर, और उसे अपने मदर और ब्रदर को कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। हिज एम्प्टी हैंड टोल्ड हिज ओन स्टोरी, उसके जो खाली हाथ थे उन्होंने उसकी जो पूरी स्टोरी है वो बता दी थी। सो उसे काफ़ी दिक्कत हुई थी वापस आने में, काफ़ी ठंड बढ़ गई थी बाहर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट हैपेंड आफ्टर द ओल्डर बॉय रिटर्न होम एम्प्टी हैंडेड, तो जब बड़ा ओल्डर बॉय है वो खाली हाथ घर पे आ गया, तो उसे उसके बाद में क्या हुआ। व्हाट हैपेंड आफ्टर द ओल्डर बॉय रिटर्न होम एम्प्टी हैंडेड, तो यहाँ पे देखिए, हिज एम्प्टी हैंड्स टोल्ड देयर ओन स्टोरी, उसके खाली हाथों ने पूरी कहानी अपने आप बता दी, और उसे अपनी जो मदर और ब्रदर हैं उन्हें कुछ भी नहीं कहना पड़ा। ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े निकाल दिए, एंड वेंट टू हिज बेड, और अपने बेड पे चला गया। एंड व्हेन ही स्पोक, और जब वो बोला, ही सेड आई एम कोल्ड, तो वो ये बोला कि मुझे सर्दी लग गई है, आई एम कोल्ड। द ब्लैंकेट रोज एंड फेल ऑन हिज ट्रम्बलिंग बॉडी, तो जो ब्लैंकेट है वो उठा, कंबल है वो उठा, और उसकी जो हिलती हुई, शेक करती हुई जो ट्रम्बलिंग बॉडी थी, उसके ऊपर वो वापस गिर गया, तो वो कंबल ओढ़ के वापस सो गया। गुलनाज पाइल्ड ऑन हिम वाट एवर ही कुड फाइंड, और गुलनाज ने उसके ऊपर जो भी चादर या कंबल मिला वो उसके ऊपर पाइल कर दिया, यानी एक ढेर लगा दिया उसके ऊपर। द ट्रम्बलिंग लास्टेड फॉर नियरली 2 आवर्स, और जो ये ट्रम्बलिंग थी, शेकिंग थी, ये 2 घंटे तक चली। देन केम द फीवर एंड द एग्जॉस्टन, फिर जो फीवर आया यानी बुखार आ गया उसके बाद, और फिर जो एग्जॉस्ट हो गया यानी बिल्कुल वो थक के एकदम निढाल हो गया, यानी उसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं रही। द बॉय ले ऑन हिज बैक मोशनलेस,
जो लड़का था, बड़ा लड़का, वो अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था, बिल्कुल मोशनलेस, यानी कोई मूवमेंट नहीं थी उसके अंदर। हिज आईज स्टेयरिंग वेकेंटली, उसकी आंखें बिल्कुल वेकेंट में देख रही थी, यानी बिल्कुल खाली देख रही थी, यानी उसके कोई एक्सप्रेशन नहीं थे आंखों के अंदर। गुलनाज लिफ्टेड द कवर्स एंड ट्राइड टू कूल द बर्निंग बॉडी विद हर कॉल्ड हैंड्स। गुलनाज ने कवर को उठाया और उसने जो उसकी बड़े बेटे की जो बर्निंग बॉडी थी, यानी जलती हुई बॉडी थी, काफ़ी बुखार था उसको, उसको कूल करने का ट्राई किया अपने ठंडे हाथों से। शी पेस्ट थ्रू द हाउस टिल इवनिंग, और वो शाम तक अपने घर में चक्कर काटती रहीं। डेस्परेट, काफ़ी डेस्परेट थी वो। शी डिड नॉट नो वाट टू डू, वो नहीं जानती थी कि वो क्या करें। शी कुड नॉट थिंक, वो सोच नहीं पा रही थी। द सन वेंट डाउन, सूरज छिप चुका था। शी नोटिस द स्मॉल पाइल ऑफ कवर्स शी हैड टेकन ऑफ द बॉयज़ बॉडी, और उन्होंने नोटिस किया कि जो एक छोटा सा पाइल ऑफ कवर्स था जो उन्होंने अपने बेटे की बॉडी पर से उठा लिया था, वुड नॉट देयर बी एनीबडी टू गिव सम मनी फॉर ऑल दैट। तो उन्होंने सोचा कि क्या कोई ऐसा नहीं है जो इसके लिए उन्हें कुछ पैसे दे दे। शी रिमेंबर दैट हर नेबर्स हैड टॉक टू ए जंक स्टोर, और उसने ऐसा याद किया कि उसके जो नेबर्स थे वो एक जंक स्टोर के बारे में, एक कबाड़ के स्टोर के बारे में बात कर रहे थे, वेयर दे बॉट यूज थिंग्स, जहाँ पे वो पुरानी चीज़ें खरीदते हैं। बट इट मस्ट बी क्लोज, पर ये अब वो अब क्लोज हो गया होगा। शी वुड हैव टू वेट टिल द मॉर्निंग, और उसे अब अगली सुबह तक वेट करना होगा। सो जब जो ओल्डर बॉयज़ है वो घर पे आया तो उसके बाद ये सब हुआ है। सो ये होमवर्क है, ये आपको करना है, एंड फ्रॉम हेयर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।